नींद पूरी निकालना। अच्छा 10:10 और मैं जा रही हूँ। अरे नींद पूरी कर लियो अपनी और जो भी करोगे। आई वॉज थिंकिंग मैं मुझे छोड़ने आएगी। ओके सो गुड मॉर्निंग। पीछे देखिए व्यू। आज जा रही हूँ वापस एंड मैं आपको बता दूँ कि ठंड बहुत है बट सामने जो व्यू है ना उसको देख के आप दिल हार जाएंगे। लेट मी शो यू। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कोहरा और यहाँ पे हो रहा है सनराइज। लुक एट द व्यू। हाय 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 हाय। कल रात मैं बागेश्वर आ गई थी, अब उससे आगे जा रही हूँ और कमाल की बात यह कि मैं अपने ऑफिस वालों के साथ में जा रही हूँ। सो सफ़र अच्छा रहने वाला है तो जुड़े रहिए। अभी मैं हूँ ग्वालदम में। ये जो घास आप देख रहे हैं आई डोंट नो इसको वैसे क्या कहते हैं बट अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं नरगड़ी। और ये एक तरीके की खरपतवार थी जो कि अब बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि आप जब स्पेशली कुमाऊं के एरिया में एंटर करेंगे तो आपको रोड के इर्द गिर्द यही दिखेगी। देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी यही दिख रही है। कैन सी कई फ़ायदे भी होते हैं, चोट वगैरह में लगाते भी हैं बट इससे ज़्यादा नुकसान होते हैं क्योंकि जहाँ पे ये उगती है वहाँ पे दूसरी चीज़ को होने नहीं देते। कैन सी यहाँ से लेके बिल्कुल वहाँ तक एकदम उगी हुई है। और अब देखिए कि यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। ये है ग्वालदम और यहाँ इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है, कितनी खूबसूरती है जितने कैमरे में नहीं दिख रही उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती है। तो मज़ा आ जाता है इस रूट में बिल्कुल। भाई साहब हफ्ते भर की नींद आज पूरी हो रही है। जो सोई हूँ ना भयंकर सोई हूँ, अभी फिर सोने वाली हूँ। ग्वालदम ठंडी जगह है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ का रहता है वेदर वैसे यहाँ पे रहता है। और ये देखिए कितने सारे माल्टा लगे हुए हैं। हा 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 हा। ये जो आपके पास था ना अभी उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, ये जो बना हुआ जाल टाइप का टोकरी टाइप की जो थी? अच्छा ये इसको सोल्डा बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं इसको डुक्का। डुक्का थोड़ा अलग तरीके का। हाँ अभी आप कहाँ के लिए कर रहे हो तैयारी? जंगल लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी सितर के लिए। अच्छा आपके यहाँ की शादियाँ वहाँ भी होती है कुमाऊँ साइड? हाँ तो बागेश्वर में ही हम लोग कुछ देर यहाँ पे रुके थे, हमने माल्टे खाए और अब ये जा रही है जंगल लकड़ी लेने। जी आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही, बस दिखा रही हूँ आपको। आज कानों का इस्तेमाल कम, आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अभी जिस जगह पे मैं हूँ इतनी खूबसूरत वो जगह है। पीछे काम चल रहा है तो इस वजह से आवाज़ आ रही होगी बट पीछे व्यू देखिए आप, क्या कतई जहर वाला होता है ना, जहर नहीं खूबसूरत व्यू। ये है थराली नदी के किनारे। वाओ यहाँ काम चल रहा है, इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं, गजब है। अच्छे मजा आ गया। पहाड़ों में बीच वाला फील मिलता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए यार। तो फील आ गया तो एक गाना हो जाए। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए। यादें मीठी मीठी यादें। इतनी सुंदर लोकेशन है कि पूरा दिन यहाँ पे काटा जा सकता है बट जाना है मेरे दोस्त तो चलो आगे चलते हैं। जी अब कमर ऑलमोस्ट टूट चुकी है क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहता है फिर धूल और इस वजह से, बट यहाँ पे जो व्यू है वो देखोगे ना आप तो आपका भी मन खुश हो जाएगा।
ज्यादा चलता है, लोकल कम। अच्छा अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, राजा टांडिया। अच्छा तो रहते वही हो या यहाँ रहते हो? मैं यही देहरादून रहता हूँ, गाँव रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी मैं यहाँ हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आज का व्लॉग थोड़ा कन्फ्यूजन, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रहा होगा, क्योंकि मैं सफ़र कर रही थी और बहुत थकी हुई भी थी, तो इसीलिए सो रही थी और जहाँ पे नींद खुली थी मैं शूट कर रही थी। बट आज के व्लॉग के बारे में मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी कि मैंने सुबह होते हुए और शाम होते हुए दोनों दिखाए, लाइक सनराइज और सनसेट दोनों दिखाया, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है वहाँ से यहाँ आने में। और दूसरी बात यह है कि मैं ये व्लॉग मैंने शूट किया होता, फिर मैं सोची थी कि कुछ इसमें खास नहीं है, मुझे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि ये जो सनसेट और सनराइज़ वाली बात मैंने कही तो लाइक ये बहुत खूबसूरत था। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने पूरे दिन में सिर्फ नेचर को ही देखा, तो वही थोड़ा बहुत जो कैप्चर किया आपके साथ शेयर करना तो बनता है। बताइएगा ज़रूर आज का व्लॉग कैसा लगा। आजकल लगातार अपडेटेड नहीं हूँ कुछ रीजंस की वजह से, थोड़े दिनों बाद फिर से डेली व्लॉग करेंगे, कमबैक करेंगे। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा, है ना, क्योंकि यहीं रहेगा क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं ये कहना चाहती हूँ। बाकी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।